हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं हूं टीवीएस के शोरूम में, जो कि तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं न्यू टीवीएस जुपिटर के बेस वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सो गाइज, ये है टीवीएस जुपिटर का बेस वेरियंट, मोस्ट बजट फ्रेंडली वेरियंट। आते के साथ ही इसने धमाका मचा दिया है मार्केट में। एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन ये प्रोवाइड कर रहा है होंडा एक्टिवा को। अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो यहां पर कंपनी ने 4 वेरिएंट्स के साथ इसको लॉन्च किया है, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूं। ये है इसका बेस वेरिएंट, जिसको कि हम ड्रम स्कूटी के नाम से भी जान रहे हैं। अगर मैं इसके नेक्स्ट 3 वेरिएंट्स की बात करूं तो वो है ड्रम एलॉय, ड्रम स्मार्ट एक्स कनेक्ट, और जो इसका टॉप नॉच वेरियंट है उसको हम डिस्क स्मार्ट एक्स कनेक्ट के नाम से जान रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके बेस वेरिएंट के रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सबसे पहले अगर मैं इसकी आउटलुक की बात करूं तो काफी स्मार्ट लग रही है स्कूटी, है कि नहीं। कलर जो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं, ये है इसका ग्रे मैट कलर। इसके अलावा आपको 2 कलर ऑप्शंस और कंपनी प्रोवाइड करा रही है, रेड ग्लॉस एंड व्हाइट ग्लॉस। तो यहां पर आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपने आप चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो व्हेन यू परचेज दी स्कूटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के साथ। तो बहुत ही मस्त फ्रंट फेशिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एक स्मार्ट लुक के साथ। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 by 1। तो आते हैं इसके हेडलैम्प की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो ये आपको एलईडी में ही प्रोवाइड कराया गया है। तो बेस वेरियंट से ही आपको जो ऑल लाइट से एलईडी में देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडशील्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको ब्लैक कलर के साथ प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह का डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको हॉर्स का सिंबल इम्बोस दिख जाएगा, जो कि आपका टीवीएस का लोगो है। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का डिजाइन पैटर्न देखने को मिल जाता है, ये भी आपका ब्लैक कलर के साथ प्रोवाइड कराया गया है। बीच में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके टर्न इंडिकेटर को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल बल्ब के साथ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये इसका बेस वेरियंट है। टॉप नॉच वेरिएंट या इसके नेक्स्ट वेरिएंट की मैं बात करूं तो जो 3 वेरिएंट्स है इसके बाद, वहां पर आपको एलईडी डीआरएस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका बाई फंक्शनल है, वही आपका टर्न इंडिकेटर का वर्क भी करते हैं। नीचे आपको ब्लैक पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो यहां पर दूसरा वेरिएंट भी लगा हुआ है, तो आपको मैं जल्दी से उसको दिखा देती हूं। तो आपको कुछ इस तरह की लुक इसके नेक्स्ट वेरिएंट ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाती है। तो यहां पर आपको एलईडी में डीआरएस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर आपका टर्न इंडिकेटर आपका वर्क करेगा। अब मैं स्कूटी को आपको स्टार्ट करके दिखाती हूं, तो आते हैं उसकी तरफ। तो यहां पर आपको साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप इसके एग्जॉस्ट नोट की साउंड से डेफिनेटली जज कर पा रहे होगे। तो काफी स्मूथ यहां पर आपको एग्जॉस्ट नोट से आवाज सुनाई देगी। चलिए अब देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। तो काफी मस्त यहाँ पर आपको साइड लुक भी कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। पुरानी वाली जुपिटर के कंपैरिजन में इस स्कूटी को डेफिनेटली कंपनी ने काफी प्रीमियम बना दिया है। आउटलुक बिल्कुल चेंज हो चुकी है, मजे आ गए। तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके फ्रंट लेग स्पेस की बात करूँ तो 380 mm का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो वो है 163 mm। सीट लेंथ की बात करूं तो वो है 756 mm, और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो वो है 105 kg। चलिए देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को 1 by 1, स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो आते हैं उसकी तरफ। तो क्योंकि ये आपका बेस वेरिएंट है, उधर आके दिखाती हूं। तो यहां पर आपको शीट मेटल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इस वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, तो कुछ इस तरह की लुक आपको ऑफर करी जाएगी। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा, और जो इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है वो है 90-90-12। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो ये टीवीएस के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि डेफिनेटली इज अ वेरी गुड पॉइंट। उसके साथ यहां पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके ब्रेक ऑप्शन की बात करूं तो फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है।
तो कुछ इस तरह से आपको इसकी लुक देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो वो है 130 mm। अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूं तो यहां पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं रियर में आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये है स्कूटी की राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल, तो कुछ इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली अच्छी लग रही है। अभी यहाँ पर मिरर्स नहीं लगे हुए हैं, तो जिस स्कूटी में फिटेड है मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि किस तरह की लुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आते हैं उसकी तरफ, तो कुछ इस तरह के आपको मिरर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि टेनाशियस लग रहे हैं। सेंटर में आपको कुछ इस तरह की बॉडी देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको जुपिटर की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको साइलेंसर मफलर की प्लेसमेंट करी गई है, तो यहाँ पर भी आपको स्टील मेटल का वर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका पिलियन के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड कराया गया है, वाइड देखने में लग रहा है तो एक कम्फर्ट फैक्टर रहेगा। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आऊं तो ये है इसके सिंगल सीट सेटअप की लुक, यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है, लेदर सीट ही देखने को मिल जाएगी। इसके नीचे अगर मैं इसके अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो भर भर के दी है एज कम्पेयर टू एक्टिवा डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 33 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, तो दो हेलमेट्स भी आप यहाँ पर इजिली रख पाओगे। तो एक अच्छा फीचर यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करा दिया है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। चलिए अब बंद कर देते हैं इसको। अभी मैं सीट्स पे बैठी थी तो काफी कुशन एंड कंफर्टेबल भी फील करा रही है बैठकर। उसके साथ अगर मैं इसके ग्रैब रेल की सेटअप की बात करूं तो ब्लैक कलर में प्रोवाइड कराए गए हैं, ग्लॉसी टच देखने को मिल जाएगा और ये आपका सिंगल सेटअप के साथ ही देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आके दिखा देती हूँ तो ये है इसके पीछे की रियर लुक, ये भी आपकी नाइस लग रही है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं नीचे के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी फॉर द नंबर प्लेटिंग। ये है इसके टेल लैम्प का सेटअप, तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये आपका एलईडी के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी नॉर्मल बल्ब के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि आपको क्रोम फिनिश में प्रोवाइड करा दी गई है। ये है स्कूटी के लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो भी मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉडी तो मैंने राइट हैंड साइड दिखा दी थी, तो कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है एक स्मार्ट लुक के साथ। उसके ऊपर आपको जुपिटर की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है क्रोम फिनिश के साथ। नीचे की तरफ आते हैं, जो मैंने कवर नहीं करा था इसका इंजन, तो यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 5.9 kW की पावर एंड 9.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 113 cc का इंजन कंपनी प्रोवाइड करा रही है और ये आपका CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप के साथ अवेलेबल है। बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, तो अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 62 kmpl, लेकिन मैं ओनर रिव्यू के हिसाब से अगर इसकी माइलेज की बात करूं तो वो आपको मिल जाएगी 40-45 kmpl की। टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 78 km/h। सेंटर की तरफ आऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लगेज हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। जो पहले वाली स्कूटी थी उसमें आपको फ्रंट एंड इधर की तरफ भी आपको लगेज हुक देखने को मिलती थी, लेकिन नई वाली जुपिटर में आपको यहाँ फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, तो यहीं से आप इग्निशन मोड पे और अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर पाओगे। की अभी हैंग है तो आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की लुक आपको देखने को मिल जाएगी। टीवीएस की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है एक साइड में और दूसरे साइड आपको हॉट सिंबल इनका लोगो देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको इन्होंने फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट करा दी है, तो अब मैंने इसको खोल लिया है, तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। तो आपको बाहर ही प्रोवाइड कराया गया ये, तो एक कम्फर्ट फैक्टर रहने वाला है जब आप फ्यूल को रिफिल कराने जाते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 5.1 liters और उसके साथ यहाँ पर आपको E20 फीचर के साथ ये इक्विप्ड है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। उसके साथ अगर मैं इसके राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 2 liters। यहाँ पर आपको कोई USB पोर्ट वगैरह नहीं प्रोवाइड कराया गया जो कि आपको हायर वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। चलिए अब देख लेंगे इसके सेंटर कंसोल को, तो यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर ही देखने को मिल जाता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। जो इसके अदर वेरिएंट है वहाँ पर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद कलर्ड LCD स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है और भी जो आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है यही रिवील हो जाएगी।
यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर के लिए ऑप्शन दिया गया है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो अगर आपकी स्कूटी में फ्यूल कम हो जाता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ताकि आप उसको दोबारा रिफिल करा पाओ। साथ में यहाँ पर आपको इंजन लाइट का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपके इंजन में कोई डिफेक्ट आती है तो वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको हॉर्स जो कि TVS का लोगो है उसकी इमेज इम्बोस दिख जाएगी। फर्दर क्योंकि ये इसका बेस वेरिएंट है तो इस वेरिएंट में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसके थर्ड एंड फोर्थ वेरिएंट के लिए जाते हो तो वहां पर ये फीचर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स की बात करूं तो उसमें आपको तीनों वेरिएंट्स में ही LCD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, कलर्ड ऑप्शन के साथ प्रोवाइड कराई गई है, तो यहां पर आपको डिजिटल मीटर कंपनी ऑफर कर देगी। तो चॉइस आपकी है कि आप एनालॉग मीटर के लिए जाना चाहते हो जो कि बेस वेरिएंट में प्रोवाइड कराया जा रहा है, या फिर आप दूसरे वेरिएंट्स के लिए जाना चाहते हो जिसमें आपको डिजिटल मीटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। देख लेंगे अब इसके टॉगल स्विचेस को, स्टार्ट करते हैं इसके लेफ्ट हैंड के साथ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराई गई एक अच्छे ग्रिप के साथ, और यहाँ पर आपको पासिंग के लिए हाई बीम एंड लो बीम के लिए लीवर देखने को मिल जाएगा। हॉर्न की प्लेसमेंट करी गई है एक वेरी स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपका टर्न इंडिकेटर के लिए लीवर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो यहाँ लेफ्ट यहाँ पर राइट। राइट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको अगेन ग्रैब हैंडल के साथ ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। फर्दर किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी इसकी सेंटर कंसोल की मस्त लुक। मिरर्स अभी फिटेड नहीं है जैसे कि मैंने पहले बताया था, और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि किस तरह के यहाँ पर आपको मिरर्स देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वॉज TVS जुपिटर बेस वेरियंट विथ अ वेरी फैसिनेटिंग लुक। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 73,700 रुपए, दैट इज 73,700 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।